कैसे हम तो हमारा घर खाली करने के लिए बोल सकते हैं? हम इतने सालों से इस घर में रह रहे हैं, हमारा घर है, हमने अपना परिवार यहाँ पे बनाया है, बसाया है, ऐसे कैसे मजाक है का करो? कैसे घर खाली कर सकते हैं हम? ऐसे शाम तक घर खाली करेंगे का? लो हमें फोन दो, हम बात करते हैं। तुमसे इस तवे पे रोटी नहीं सिकने वाली है। भाई कैंटीन बंद हो गई तो हमने सोचा कोनो बात नहीं, तुम हमारे सर पे छत तो रखोगे, लेकिन तुमसे उतना भी नहीं हुआ। अरे सरकारी अफसर है, क्या बात करोगी? जाओ और निर्मला के ठेले पे भजिए तलो जाओ। हेलो, का है तिवारी, का समझते हो तुम अपने आप को? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये कहने की कि हमें हमारा घर खाली करना पड़ेगा? हमारा परिवार रहता है यहाँ, इतने सालों से हम यहाँ रह रहे हैं, ये हमारा घर है। तुम्हारी अम्मा भी अगर बुलडोजर लेके आएगी ना, हम ये घर खाली नहीं करेंगे। हम तुम्हारे बारे में सब कुछ जानते हैं, तुम इतने बड़े घूसखोर और रिश्वतखोर, हम पुलिस में जाके तुम्हारे बारे में बता देंगे ना, नौकरियां चली जाएगी, समझे? फोन रखो। देखा, ये इस तरह इन लोगों के कान में जब तक बम ना फोड़ो ना, इस सरकारी पिट्ठुओं को कुछ सुनाई नहीं देता। और इतिवरिया, ये तो इतना रिश्वतखोर है, हम इसे अच्छी तरह जानते हैं, अभी पुलिस को बता देंगे ना, नौकरी चली जाएगी इसकी। तिवारी को रिटायर हुए मुद्दतों हो गई, ये शर्मा जी हैं और ये भी हमारे भैया की तरह बहुत ही उसूल वाले हैं, और तुमने इसी को पाठ पढ़ा दिया, अब पता नहीं इसका अंजाम क्या निकलेगा। मैं तो कहता हूँ फौरन वापस फोन करो और माफी मांगो इनसे। तुम्हारी गलती है, तुम्हारी। हमारी कैसे गलती है? तुमने पहले कहीं नहीं बताया हमें कौन बोल रहा है, तिवारी है, शर्मा है, हमें कौन बोल रहे फोन पे? एक ही रास्ता बचा है, वही हमारे लिए कुछ कर सकते हैं। इतना लेट हो गया, गद्दी परी अभी तक नहीं आई। आने तो इसको, आने तो उसको मार मार के सीधा कर देंगे। दोबारा देखते हैं कैसे जाती है, ऐसे रात को बिना बताए कैसे जाती है घूमने के लिए, अकेले अकेले निकल गए घूमने के लिए, छोड़ेंगे नहीं। कहाँ फंस गए हम? तो इस घर को राजमहल समझते थे, पर ये बकवास जगह, सबके सब यहाँ पे पागल है, मैड फैमिलीज, एक से एक बड़े बड़े जोकर्स। हमारी मम्मीज, अब मम्मीज आपको क्या पता हमारे हाथ बंधे हुए, हम आपसे अभी बात नहीं कर सकते, हमें पता आपको सिर्फ मनी चाहिए होंगी। सही कहते हैं लोग, जब वक्त खराब चलता है ना तो अपने ही सबसे पहले हाथ छोड़ देते हैं। अरे जरा मालिश करो पाँव के, ऐसे नहीं हो। लगाओ ना डॉक्टर को फिर से। क्या हो गया नमिता? डॉक्टर रास्ते में आ रहा होगा, तुम टेंशन मत लो, दादी को कुछ नहीं होगा। कितना वक्त लगाएगा भाई, वक्त नहीं है ज्यादा, यहाँ पे हालत देख रही हूँ। बहुत टेंशन हो रही है दादी, दादी उठो ना, दादी दादी उठो ना। अभी आज दादी को सच में ऐसा हुआ है, वरना वो गिरने वालों में से नहीं है। नमिता कुछ नहीं होगा, दादी को तुम टेंशन मत लो, डॉक्टर आ रहा है, ठीक हो जाएगी दादी। हमें ही देख कर आते हैं जरा एक। दादी आके खोलो अपनी। बाजी। दादी उठो ना। दादी क्या हो गया दादी आपको? प्लीज मेरी दादी को बचा लो, मैं प्रॉमिस करती हूँ कि मैं कभी उन्हें शशिकला नहीं करके बुलाऊंगी, और मैं कभी कुछ ऐसा नहीं करूंगी जिससे उन्हें कभी गुस्सा आए। प्लीज बचा लो,
आज उसकी तबीयत सस्ती में खराब हो गई है। उन्हें कुछ मत होने देना। हमारे घर का तो फोन ही नहीं लगता है आजकल। लगता है अम्मा ने टेलीफोन विभाग वालों को बोल दिया है कि हमारा नंबर ब्लॉक कर दे। हे भगवान, कुछ भी नहीं बचा हमारे पास, ना पैसे ना घर। हेलो, ये भैया भी ना, अरे अगर सुनाई नहीं देता तो कान की मशीन काहे नहीं लगाते हैं? क्या हुआ? अरे सरला, कभी तो फोन करने से पहले टाइम देख लिया कर, बाद में बात करेंगे तुझसे। हेलो हेलो भाई, कभी भी फोन करती। कैसे दिन दिखा रहा है ऊपर वाले। भैया ने भी हमारी आवाज सुन के हमसे बात नहीं की, ये कैसे हो सकता है? हुआ का है डॉक्टर साहब? अभी मतलब कुछ ही देर पहले बिल्कुल ठीक ठाक थी, पूरे परिवार के साथ नाच गा रही थी, एकदम से घिर गई पतंग। का कोई रिएक्शन विएक्शन है का? कुछ उल्टा सीधा खा तो नहीं लिया है ना? अरे बोलो, तुम ही से पूछ रहे हैं भाई, कुछ खा तो नहीं लिया उल्टा सीधा? नहीं, सुबह थोड़ा दिए थे खाने को हम, लेकिन कह रही थी कि मन नहीं है खाने का, और शाम को दिए थे हम चाय उनको, और फिर दवाई दी थी रिया ने। अरे तो पूरे दिन भर से चाय पे चल रही है का? दवाई कौन सी दी है तुमने? वही जो डॉक्टर ने दी थी। उसमें भी एक कुछ साथ में देनी थी नहीं देनी थी, कोई गलत दवाई तो नहीं दी थी? नहीं पापा जी, बिल्कुल भी नहीं। पापा, एम्बुलेंस आ गई लेकिन वो ट्रैफिक जाम की वजह से अंदर नहीं आ सकती है गली में, तो दादी को हमें स्ट्रेचर पे लेके जाना पड़ेगा। वो तो उठाते हैं। क्या हो रहा है, इनकी कंडीशन इतनी अनस्टेबल क्यों हो रही है? देखिए, ऐसी कंडीशन में अम्मा जी को वहां ले जाना पॉसिबल नहीं है, इसलिए एम्बुलेंस के साथ जो एसेंशियल इक्विपमेंट्स आए होंगे, ऑक्सीजन सिलेंडर, मास्क वगैरह, वो हमें यहाँ लाने पड़ेंगे। थोड़ा जल्दी करो क्योंकि इनकी कंडीशन और भी क्रिटिकल हो सकती है। मैं लेकर आता हूँ। जल्दी करो जरा। इन्होंने लास्ट में कौन सी मेडिसिन खाई थी? मैं बताती हूँ, ये वाली, ये और ये। ये नहीं दिए डॉक्टर, ये सुबह देनी थी। कहीं आप लोगों ने ये दोनों मेडिसिन साथ में तो नहीं दे दी? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं, डॉक्टर ने कहा था इसलिए, वो तो दी ही नहीं है। लेकिन इनके रिएक्शन और बाकी के सिम्टम्स देखकर तो लग रहा है ये दवाइयाँ दोनों साथ में दी गई हैं। डॉक्टर साहब, ऐसा कैसे पॉसिबल है? मैंने खुद चेक करके दी और मैंने ये दो दवाइयाँ साथ नहीं दी। हमारी आवाज सुन के हमसे बात कैसे नहीं की? हाँ हो गया श्रीमती जी। भैया पागल हो गए हैं? अब बता रहे, हमारी आवाज सुन के भी भैया ने हमसे बात नहीं की। पता है का है, आज जब से अम्मा का हमारा झगड़ा हुआ है ना, तब से खुशिया भाभी झगड़े का फायदा उठा रही है। खुशिया भाभी ने भैया के कान भरे होंगे, उन्होंने हमसे बात करने की। अरे क्या बेफालतू की बातें कर रही है? बेफालतू की नहीं कह रहे हैं हम, सही कह रहे हैं बिल्कुल। हमारे भैया हमारे हाथ से खिसक रहे हैं। जब से अम्मा ने मुंह फेरा है ना, भैया भी हमसे मुंह फेर रहे हैं। अब बिल्कुल अकेले हो गए बता रहे जिंदगी में। हाँ, नाटक कंपनी की छुट्टी नहीं होती यहाँ पे, जब देखो तब रोने धोने की रिहर्सल है। नाटक दिख रहा है तुझे ये है? सबको तुझे नाटक ही दिखता है आजकल, और जो तूने बिना पर्दे का नाटक किया उसका का है? सरला सदन बनाऊंगा, गंगा किनारे बनाऊंगा है? तेरे पापा जी को क्वार्टर खाली करने का आर्डर मिला है आज। वो कहा जाएंगे, क्या करेंगे बोल? अब तू फालतू उछल रहा है। अरे ऐसे कैसे, उनका क्या बाप का राज चल रहा है? अब घर खाली, घर में क्या गैर कानूनी काम कर रहे हम? तू तो ज्यादा हरिश्चंद्र बन मत,
तूने क्या कैंटीन में जुए का अड्डा खोलने से पहले यार पास को घुमाओ मत, आप बता रहे हो कुछ संभाला तो जाता नहीं है, बस मुंह जवानी खर्चा करते रहते हो। वास बंद कर बदतमीज, घुमाकर एक लफड़ मारेंगे ना ये गजभर लंबी जवान बाहर आ गिरेगी। मना किया था कि कैंटीन में जुए का अड्डा मत चलाओ, लेकिन नहीं, अब देख लो नतीजा। पहले कैंटीन हाथ से गई, अब ये घर जा रहा है। और तो और, तुम्हारी ये उधार की जिंदगी की वजह से हमारी श्रीमती जी को अपने मायके में सबके सामने कितना कुछ सुनना पड़ा। माफ करिएगा पापा जी, हम आपकी बहुत इज्जत करते हैं, लेकिन हम अपने अम्मी जी के बारे में कुछ नहीं सुन सकते। अरे सारी गलती इनकी है का? इस घर की बर्बादी की जिम्मेदार और भी कोई लोग है, सबको बराबरी की सजा मिलनी चाहिए। ये आंखों से पट्टी उतारो गांधारी। पहले अम्मा पुत्र के प्रेम में सूरदास बन रही थी और अब पति प्रेम में मीरा बनी जा रही हो। अरे कान में ये बात तुम्हारे क्यों नहीं आ रही कि ये सब गलत काम इनकी वजह से हुए हैं, जिसकी वजह से हम लोग यहाँ गलत रास्ते पर आ गए हैं। अगर कैंटीन में जुए का अड्डा ना खोला होता तो आज सब कुछ ठीक होता। अरे तुम फालतू पकड़ पकड़ मत करो जी, हमारे अमित के बारे में कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। करो, बेचारे की इतनी अच्छी नौकरी लगी है, सिक्योरिटी कंपनी में नौकरी लगी है ना, है? इतने बड़े पद पे है वो, उसको बहुत पैसे मिलने वाले हैं, मालूम है का? उसका तो मंदिर बनना चाहिए, मंदिर पूजा होनी चाहिए उसकी। हम लोगों की खातिर कितनी मार खाई है बेचारे ने किन डायपर्स से, और तुम तो बस ठेले के ऊपर अपनी रासलीला रचाते रहो बस। बात को बदलने की कोशिश मत करो श्रीमती जी। हम कोनो बात नहीं बदल रहे हैं बस। अगर तुमने जिंदगी में कोई झंडे गाड़े होते तो आज हमें हमारे बच्चों को ये दिन नहीं देखने पड़ते। सब ठीक है का चल रहा है, कुछ बताएंगे जरा? देखिए अम्मा जी को हमें अभी और ऑब्जर्वेशन पे रखना पड़ेगा, क्योंकि इनके हालत काफी नाजुक है, और ये ऐसा इनके साथ ये दवाइयों का गलत कॉम्बिनेशन लेने की वजह से हुआ है। ऐसे क्यों देख रहे हैं मुझे? मैंने गलत दवाइयां नहीं दी है, मैं सच कह रही हूं। मैंने ये तीन दवाइयां दी थी और ये येलो वाली तो मैंने दी ही नहीं। मैंने रेड एंड येलो कंबाइन नहीं किए, आप विश्वास कीजिए मेरा। पापा जी सच कह रहे हैं, जैसा डॉक्टर ने कहा था मैंने वैसे ही दिए। लाल और पीली साथ में नहीं देने, नहीं दी। मैंने एग्जैक्टली यही कॉम्बिनेशन दिया है, मुझे अच्छे से याद है। फिर ये सब कैसे हो सकता है? क्या हुआ अभी? कुछ नहीं, बस काउंट कर रही हूँ कि मैंने सही दवाई दी थी या नहीं। मुझे अच्छे से याद है मैंने एग्जैक्टली वही दवाई दी है जो मुझे डॉक्टर ने कहा था। फिर कैसे रिएक्शन हो सकता है? फिर आपने गलत दवाई दी होगी तो गलती से। बेटा मैं गलती से भी गलती नहीं कर सकती और गलत दवाई नहीं ले सकती। मुझे दवाई का डोजेज, दवाई के नाम एग्जैक्टली याद है अच्छे से। मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये सब कैसे हो सकता है। भाभी आप कितना भी कॉन्फिडेंट क्यों ना हो, पर हर इंसान से गलतियाँ होती है।
अमिता। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।